एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट पर अपनी नकेल कसते हुए बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को रविवार को अरेस्ट किया था। एनसीबी ने इससे पहले ड्रग पेड्रल अजय राजू सिंह को पकड़ा था। अजय से हुई पूछताछ में ही अरमान कोहली का नाम सामने आया था। इसके बाद अरमान के घर पर छापेमारी की गई, जहां उनके पास से कोकीन पाया गया था। अब अजय राजू सिंह और अरमान कोहली के बीच की चैट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली ने खुलासा किया है कि अजय के लिंक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ जिस्म फरोशी के रैकेट से भी है। एनसीबी को अजय और अरमान के बीच ड्रग्स खरीदने के चैट भी मिले हैं। अजय के फोन से खुलासा हुआ कि उसके संबंध साउथ अमेरिका के कोलंबिया और पेरू के ड्रग डीलर से रहे हैं। विदेशों से ही उसके पास ड्रग की सप्लाई होती थी। एनसीबी को अजय के फोन से उसके और अरमान के बीच की व्हाट्सएप चैट हासिल हुई है। इसमें ड्रग्स खरीदने पर चर्चा हो रही है। इसी के आधार पर पुलिस ने अरमान कोहली के घर पर छापा मारा था, जिसमें उनके पास 1.2 ग्राम हाई क्वालिटी कोकीन बरामद हुई थी। एनसीबी अरमान कोहली के बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। फिलहाल कोच ने अरमान कोहली को 1 सितंबर तक के लिए एनसीबी के रिमांड में भेज दिया है। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी ने बताया है कि अजय का पहले कुरियर का बिजनेस था, मगर बाद में वो ड्रग रैकेट का हिस्सा बन गया। उसे मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने साल 2009 में पहली बार गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर ड्रग्स के 2 और मामले हैं और 1 धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है। एनसीबी ने शनिवार को अजय को हाजी अली से गिरफ्तार किया था और उसके पास 25 ग्राम MD ड्रग्स मिला था। वही अगर खबरों की माने तो अजय के कई बॉलीवुड सेलेब्स से भी कनेक्शन है और उनकी पार्टियों में उसे देखा गया है। अजय पिछले 20 साल से ड्रग्स का धंधा कर रहा है और मुंबई के जुहू में उसके 2 बंगले भी है। वही आपको बता दें, हाल ही में एनसीबी ने टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।